हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ विटामिन सी फेस मास्क एंड ममाअर्थ ओप्टन फेस मास्क का। दोस्तों, ये दोनों ही फेस मास्क मैंने यूज़ किए हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन दोनों फेस मास्क में मुझे क्या डिफरेंस लगा है, दोनों में से किससे ज़्यादा ग्लो आता है और मुझे इन दोनों फेस मास्क में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फेस मास्क मैंने स्मीटन से ट्रायल पॉइंट्स में लिए हैं और ये मुझे एक एक ट्रायल पॉइंट में मिले हैं। दोस्तों, दोनों ही फेस मास्क ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं और इन दोनों का ही प्राइस है 99 रुपीज। इनमें आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इनकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और ये दोनों ही फेस मास्क पैराबिन सिलिकॉन फ्री हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं। विटामिन सी फेस मास्क आता है स्किन इल्यूमिनेशन के लिए और ओप्टन फेस मास्क आता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इनको ओपन करके इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको विटामिन सी फेस मास्क का टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये फेस मास्क क्रीमी टेक्सचर में आता है और दोस्तों, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपको ओप्टन फेस मास्क का टेक्सचर दिखाती हूँ। इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, विटामिन सी लाइट कलर का आता है और ओप्टन फेस मास्क थोड़ा सा डार्क कलर का आता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, दोनों का ही जो टेक्सचर है क्रीमी है, दोनों ही क्रीमी है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो विटामिन सी फेस मास्क की जो कंसिस्टेंसी है वो थिन है और ओप्टन फेस मास्क की कंसिस्टेंसी थिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों का टेक्सचर। फ्रेग्रेंस मुझे दोनों की ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अब ये दोनों फेस मास्क मैं आपको मेरे हाफ ऑफ फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ और फिर हम इनके रिजल्ट देखते हैं कि दोनों फेस मास्क के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, मैं मेरे हाफ फेस पर अप्लाई करूंगी ममाअर्थ का विटामिन सी फेस मास्क। इसके मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन सी, इसमें काओलिन क्ले है, टर्मरिक और ग्लिसरीन है। विटामिन सी हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, स्किन को रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसमें काओलिन क्ले है जो कि हमारी स्किन से डर्ट को, स्किन इम्प्योरिटीज को हटाता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसके साथ ही इसमें ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, स्किन को ड्राइनेस से बचाती है। और इसमें है टर्मरिक, टर्मरिक हमारे फेस से दाग धब्बों को हटाती है और हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाती है। दोस्तों, मैंने मेरे हाफ फेस पर विटामिन सी फेस मास्क अप्लाई कर लिया है। अब मैं मेरे हाफ फेस पर अप्लाई करूंगी ममाअर्थ का ओप्टन फेस मास्क। इसके मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक, सैफ्रन और इसमें है एप्रिकॉट ऑयल। टर्मरिक हमारे फेस से दाग धब्बों को हटाती है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है और हमारी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाती है। इसके साथ ही इसमें सैफ्रन है, सैफ्रन हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है, फेस से दाग धब्बों को हटाता है और हमारी स्किन को रेडिएंट बनाता है। इसके साथ ही इसमें एप्रिकॉट ऑयल है जो कि हमारी स्किन से टैन को हटाता है और हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को, स्किन इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और स्किन को ड्राई होने से बचाता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। दोस्तों, ये मैंने दोनों फेस मास्क अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं इन्हें ड्राई होने तक रखूंगी और फिर मेरे फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने मेरे फेस को वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ लग रही है, स्किन पर ग्लो आ गया है और मुझे मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि ये दोनों फेस मास्क आपको कैसे अप्लाई करने हैं और आप लोगों ने इनके रिजल्ट देखे। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इनकी कंसिस्टेंसी का। विटामिन सी की जो कंसिस्टेंसी है वो थिन है और ओप्टन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, इसलिए जब हम फेस पर अप्लाई करते हैं तो विटामिन सी बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और ओप्टन फेस मास्क में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम फेस वॉश करते हैं मास्क के ड्राई होने के बाद तो विटामिन सी बहुत जल्दी धुल जाता है और ओप्टन फेस मास्क थोड़ा सा टाइम लगाता है। फेस वॉश करने के बाद जब हम स्किन देखते हैं तो कौन से फेस मास्क से ज्यादा ग्लो आता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कमेंट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किससे ज्यादा ग्लो आता है, तो मैं आपको बता दूं कि ओप्टन के कंपैरिजन में मेरे फेस पर विटामिन सी से ज्यादा ग्लो आता है। नेक्स्ट, जब हम फेस को ड्राई करते हैं तो
जब हम स्किन को टच करके देखते हैं तो विटामिन सी के कंपैरिजन में जिस साइड हम उपटन फेस मास्क यूज करते हैं वो साइड ज्यादा स्मूथ लगती है, ज्यादा मॉइस्चराइज लगती है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो जिस साइड हम विटामिन सी यूज करते हैं वो साइड जल्दी मॉइस्चराइजर मांगती है, मतलब कि उपटन से आपकी स्किन ड्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है विटामिन सी के कंपैरिजन में। सो दोस्तों बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट की कि मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है, सो मुझे उपटन के कंपैरिजन में विटामिन सी फेस मास्क ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो इसकी कंसिस्टेंसी थिन है, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है उपटन के कंपैरिजन में, और स्किन पर ज्यादा ग्लो विटामिन सी से आता है मेरी स्किन पर। हाँ, विटामिन सी हम जब यूज करते हैं तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जल्दी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि इससे स्किन ड्राई हो जाती है, बट उपटन के कंपैरिजन में जिस साइड हम विटामिन सी फेस मास्क यूज करते हैं उस साइड हमें मॉइस्चराइजर जल्दी अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। सो दोस्तों मुझे उपटन के कंपैरिजन में विटामिन सी मास्क ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी स्किन पर ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, तो मुझे विटामिन सी ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे दोनों ही फेस मास्क के रिजल्ट अच्छे हैं, दोनों से ही स्किन पर ग्लो आता है और दोनों ही आपकी स्किन को क्लियर बनाते हैं, सॉफ्ट स्मूथ बनाते हैं। सो दोस्तों इन दोनों ही फेस मास्क में से आप किसी भी फेस मास्क को परचेज करना चाहे कर सकते हैं, दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और दोस्तों दोनों ही फेस मास्क सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है मेरी स्किन पर विटामिन सी ज्यादा अच्छे से काम करता है, आपकी स्किन पर उपटन फेस मास्क ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे, क्योंकि सभी की जो स्किन होती है वो अलग अलग होती है। सो एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मेरी स्किन पर ज्यादा अच्छे से काम करता है हो सकता है कि वो आपकी स्किन पर ना करे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी मिलते हैं कि आपकी स्किन पर तो ये इतने अच्छे से काम करता है बट मेरी स्किन पर नहीं करता। सो दोस्तों सबकी स्किन अलग अलग होती है और हर प्रोडक्ट सबकी स्किन पर अलग तरीके से काम करता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको आज का वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।